Assalamu alaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today's topic is about effective atomic number rule, or it is also called as EAN rule, and it is mostly applied to coordination complexes. लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट. तो हमने उसमें देखा था कि जितने भी हमने ये कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस किए हैं, हर एक में जो सेकेंडरी वैलेंसी है या कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोबाल्ट का 6 है. लाइक इफ़ यू सी इन दिस एग्जांपल देयर आर 6 अमोनिया, सिमिलरली इन दिस एग्जांपल 5 अमोनिया एंड 1 क्लोराइड, 4 अमोनिया, 2 क्लोराइड्स, 3 अमोनिया एंड 3 क्लोराइड्स. तो क्वेश्चन हमने ये सेट किया था कि वाई ओनली 6 लिगेंड्स आर अटैच्ड, 5 क्यों नहीं है एंड 4 क्यों नहीं है. सो इन टूडेज लेक्चर वी शैल डिस्कस अबाउट दिस थिंग. तो टूडेज लेक्चर इज़ अबाउट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल. दिस रूल वाज पुट फॉरवर्ड बाय सिजविक एंड बेले. ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि डबलेट, ऑक्टेट एंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो हमने पहले डिस्कस किए हैं. अब क्योंकि ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है, इट इज़ नॉट सम थ्योरी और इट इज़ नॉट सम लॉ, तो इसीलिए 90% केसेस में ये फॉलो होता है, लेकिन 10% कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनमें ये EAN रूल जो है वो फॉलो नहीं होता. अब ये फॉलो क्यों नहीं होता? बिकॉज ड्यू टू सम स्टीरियोकेमिकल हिंड्रेंसेज और कंस्ट्रेंट्स, उनकी वजह से ये रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता. So we are already familiar with terms such as doublet, octet and 18 electrons. Actually अगर आप देखें, this is hydrogen, इसके valence shell में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1s1 इसकी configuration है. तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और गेन करके ये अपना valence shell में doublet complete कर लेगी and it will attain the noble gas configuration of helium. तो इसको हम कहते हैं doublet. इसी तरह ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन है. दे आल्सो गेन इलेक्ट्रॉन्स टू गेट द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ नियॉन एंड आर्गन. सो दे कंप्लीट ऑक्टेट और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. अब इसमें मैंने बोरोन एंड एल्यूमिनियम को कंसीडर नहीं किया, बिकॉज ये जो सारी सीरीज़ है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट कंपाउंड्स. ये अगर ऑक्टेट अपने वैलेंस शेल में कंप्लीट ना भी करें तो ये स्टेबल होते हैं. ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वी विल नॉट टॉक अबाउट दैम बिकॉज दीज मेक आयनिक बॉन्ड्स. वी आर ओनली डीलिंग हेयर विद कोवलेंट मॉलिक्यूल्स. इसी तरह ये वाली जो सीरीज़ है इसमें ये वाले जो एलिमेंट्स हैं दे ट्राई टू कंप्लीट 18 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. सिमिलरली ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे आल्सो ट्राई टू कंप्लीट 18 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. तो इसको हम कहते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल है. तो अगर आप देखें कि एवरी एलिमेंट जो है इट इज़ ट्राइंग टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी, एंड दिस स्टेबिलिटी गेन इज़ द मेजर पर्पस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. अब ये जो स्टेबिलिटी है ये गेन होती है आइदर बाय हैविंग 2, 8 और 18 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. जब ये इलेक्ट्रॉन्स 2, 8 और 18 जो है वो वैलेंस शेल में आ जाते हैं तो ये नेक्स्ट नोबल गैस इनर्ट कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेते हैं. मींस के जो नोबल गैसेस की सिचुएशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की वही इनकी होती है. तो जैसे नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं तो वैसे ही ये एलिमेंट्स भी जो है वो स्टेबल हो जाते हैं. सो दैट इज़ वाई हम यहाँ पर इन नोबल गैसेस की कॉन्फिगरेशन जो है वो अटेन करते हैं इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी. नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ एक्चुअली दिस हैपन्स. तो अगर आप यहाँ पर देखें ये मीथेन है, CH4 है, इसमें कार्बन जो है वो सेंट्रल एलिमेंट है. सो दिस इज़ द कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन 1s2, 2s2 एंड 2p2, वेयर एज 2s2 एंड 2p2 इज़ द वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन. तो हमने इसको यहाँ पर सेपरेटली लिख लिया है. नाउ इफ़ वी राइट इट अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल्स, सो दिस इज़ 2s2 2p2 कॉन्फिगरेशन. तो कार्बन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा और यहाँ पर शिफ्ट होगा. सो दिस हैज़ बीन शिफ्टेड. नाउ इट विल मेक बॉन्ड विद 4 हाइड्रोजन एटम्स, और ये जो रेड क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स दैट वर शेयर्ड बाय हाइड्रोजन विद दिस कार्बन. तो अगर आप देखें इस कार्बन के अब वैलेंस शैल में 1 2 3 4 5 6 और 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो हम कहते हैं कि कार्बन ने अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट किया है वैलेंस शैल में, और ऑक्टेट जब कंप्लीट किया है सो इसने ये नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अटेन कर ली है। तो जैसे नियॉन स्टेबल है वैसे ही अब कार्बन भी स्टेबल है आफ्टर मेकिंग CH4। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें वो है अमोनिया की। अमोनिया में जो सेंट्रल एटम है वो नाइट्रोजन है। दिस इज़ दी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, वेयर एज 2s2 2p3 इज़ दी वैलेंस शैल कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम इसको सेपरेटली यहाँ पर लिखें सो दिस इज़ दी वैलेंस शैल कॉन्फ़िगरेशन, और अगर हम ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखें तो ये है। अब यहाँ पर देखें क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के पास पहले से ही, तो हमें 3 ही अनपेयर्ड चाहिए क्योंकि हमने 3 अटैच करने हैं हाइड्रोजन। तो हमें किसी किस्म की एक्साइटेशन यहाँ पर नहीं करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर की है। सेकंड है क्योंकि नाइट्रोजन जो है या कार्बन जो है उसके पास यहाँ पर MTP जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, बिकॉज बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन दे बिलोंग टू सेकंड पीरियड, और ये जो सीरीज़ होती है इसके पास सिर्फ S एंड P होते हैं, वेयर एज जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनके पास S एंड P एंड D ऑर्बिटल्स होते हैं। तो क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो सेकंड शैल में है तो इसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि यहाँ पर ये कोई एक्साइटेशन हो, तो बहरहाल इसी फॉर्म में ये जो है वो स्टेबिलिटी गेन करता है। दिस इज़ 1 लोन पेयर, और 3 ये जो है वो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और ये अमोनिया। लेकिन अगर आप देखें कि इस सारी प्रैक्टिस के बाद हो क्या रहा है कि अगेन नाइट्रोजन इज़ गेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्टेट कंप्लीटिंग ऑक्टेट इन वैलेंस शैल in order to gain the noble gas configuration of neon, और इस तरह जो है ये स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो दिस वाज विद रिस्पेक्ट टू वैलेंस शैल कॉन्फिग्रेशन। अब हम क्वेश्चन डील करते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन था रियल, जिसको हमने पिछले लेक्चर में जो है वो देखा था। तो दिस वाज दी एग्जांपल। तो इसमें अगर आप देखें ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, तो हमने इसमें पहले चार्ज सेपरेशन की है क्योंकि बाहर 3 क्लोराइड्स हैं, तो क्लोराइड्स पर -3 है तो कॉम्प्लेक्स पर +3 होगा चार्ज को बैलेंस करने के लिए। अब बाहर जो है वो +3 है, वो किस वजह से है क्योंकि अमोनिया जो है वो न्यूट्रल है, तो कोबाल्ट पर +3 होगा तो बाहर ये +3 जो आया। सो दिस इज़ दी चार्ज सेपरेशन। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो है 27 एंड दिस इज़ इट्स वैलेंस शैल कॉन्फ़िगरेशन। इसी वैलेंस शैल कॉन्फ़िगरेशन को जब हम ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखते हैं सो दिस इज़ दी ऑर्बिटल फॉर्म के 3D में 7 है और 4s में 2 है, 3D में 7 है। यहाँ पर कोबाल्ट जो है ये न्यूट्रल फॉर्म में है, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स में देखें कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट जो है वो +3 फॉर्म में है, तो हमने इस कोबाल्ट को कन्वर्ट करना है +3 फॉर्म में। +3 फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम ये 2 S के इलेक्ट्रॉन्स और 1 ये D का इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। सो नाउ कोबाल्ट इन इज़ +3 फॉर्म एंड दिस इज़ इट्स सिचुएशन। अब यहाँ पर एक स्टेप है कि जैसे हमने यहाँ पर कार्बन में एक्साइटेशन की थी तो कोबाल्ट के केस में यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करेंगे। द रीज़न फॉर दिस पेयरिंग इज़ बिकॉज कि अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जब भी अमोनिया जैसा लिगेंड आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर पेयर अप कर देगा। इसको हम डिटेल में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिस्कस करेंगे कि क्यों पेयर अप करता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग क्योंकि हमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए 6, तो हम वो एम्प्टी 6 ऑर्बिटल्स क्रिएट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर अप हो जाएगा। तो हमने कोबाल्ट की रीअरेंज फॉर्म में जो है वो इसको ऐसे लिखा है और इसीलिए यहाँ पर स्टार लगाया। तो अब ये सारे जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए और यहाँ पर 6 जो हैं अमोनिया आकर अटैच हो गए हैं एंड दीज आर मेकिंग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, नॉट कोवलेंट बॉन्ड बट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो रेड कलर के हैं दीज आर कंट्रीब्यूटेड बाय द अमोनिया, वेयर एज अगर आप इन एग्जाम्पल्स में देखें तो यहाँ पर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, नॉट अ कंप्लीट डोनेशन। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहे हैं दीज आर सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड्स क्योंकि शेयरिंग हो रही है। लेकिन इस एग्जांपल में यहाँ पर जो ये पूरे का पूरा पेयर डोनेट हो रहा है और जो यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है इट इज़ एक्चुअली दी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर आप देखें कि टोटल अगर आप इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस शेल में हैं। अब देखें जब 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो अब इसने स्टेबिलिटी गेन की है, तो इसका मतलब है कोबाल्ट प्लस 3 फॉर्म में जब भी आएगा तो इसको 18 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। 18 इलेक्ट्रॉन्स जब आ जाएंगे तो तब ये स्टेबल होगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ रहे हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह आ रहे हैं कि 6 तो इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन्स हैं आफ्टर मेकिंग प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसको 12 और चाहिए, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन्स विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय 6 लिगेंड्स, तो इसीलिए कोबाल्ट प्लस 3 फॉर्म में होगा। तो ये एडजस्ट करता है ओनली 6 लिगेंड्स को, जो कि 12 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो 6 इसके पास पहले ही हैं, तो 12 प्लस 6 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास पूरे हो जाएंगे। तो ये नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन जो है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो गेन कर लेगा। और अगर आप देखें दिस इज़ द कोबाल्ट, और इसके जो नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन है वो है क्रिप्टॉन। तो जब 18 इलेक्ट्रॉन्स ये अपने वैलेंस शेल में अटेन कर लेगा तो ये क्रिप्टॉन की कॉन्फिग्रेशन अटेन करके स्टेबल हो जाएगा। सो हेयर इट इज़ कमिंग 18 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डबलेट था या ऑक्टेट था, तो इसी तरह वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये भी उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है वो आ रहे हैं इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। देखें स्टिल अभी तक हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को इस स्टेज तक डिफाइन नहीं किया। इस स्टेज तक अभी हमने डबलेट, ऑक्टेट या 18 इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन किया। नाउ वी विल डिफाइन व्हाट इज़ एक्चुअली द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो अगेन अगर आप देखें कि ये वही एग्जांपल है, हमने चार्ज सेपरेशन की है। तो कोबाल्ट के पास जो इस वक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 27 हैं, क्योंकि 27 इट्स एटॉमिक नंबर। अब कोबाल्ट जो है वो यहाँ पर प्लस 3 फॉर्म में है, तो प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कोबाल्ट की प्लस 3 है। तो ये प्लस 3 का मतलब क्या है कि 27 में से ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। तो अब देखें इसके पास जो है वो 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब 6 अमोनिया जो है वो 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको सप्लाई करेगा। और तो आफ्टर एक्सेप्टिंग 12 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6 अमोनिया मालिक्यूल, अब कोबाल्ट के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 24 प्लस 12 इज इक्वल टू 36। नाउ दिस 36 इज कॉल्ड एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगर हम देखें प्रीवियस नेक्स्ट अपने कॉन्फिग्रेशन की फॉर्म में देखें तो दिस इज़ कोबाल्ट, और ये देखें क्रिप्टॉन के पास भी 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखें बात वही है, पहले हम जस्ट बात कर रहे थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, अब हम बात कर रहे हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स की। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जब कोबाल्ट के पास जितने हैं, जब इसके वैलेंस में 18 पूरे हो जाएंगे तो इसको हम कहते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। लेकिन कोबाल्ट के टोटल इलेक्ट्रॉन्स जब 36 पहुँच जाएंगे तो इसको हम कहेंगे दिस इज़ कॉल्ड एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सो यहाँ पर अब हमने डिफ़ाइन किया है व्हाट इज़ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम ये बात कर रहे हैं, एंड कोबाल्ट की ये जो इक्वेशन है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो देखें कोबाल्ट प्लस 3 में 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स इसको और चाहिए, तो ये 36 पूरे करता है। सो दिस इज़ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब देखें कोबाल्ट को 36 पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, और वो थे 12। तो दिस 12 इज़ कॉल्ड एज इट्स मैजिक नंबर। सो यहाँ पर हम डिफ़ाइन करते हैं कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे करें और उसको इक्वल करें नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन के, सो दैट नंबर इज़ कॉल्ड एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और उस नंबर को अटेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, दैट नंबर इज़ कॉल्ड एज मैजिक नंबर। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें कि ये भी बात वही है, लेकिन हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं की, हमने यहाँ पर बात की है सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो तब भी नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन जो है वो अटेन हो जाएगी। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द 18 इलेक्ट्रॉन रूल एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। के बात एक ही है, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन में हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, वेयर एज जब हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो हम वैलेंस एंड इनर लाइंग ऑल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इस तरह 12 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए थे, 12 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करने के लिए ही 6 अमोनिया के मालिक्यूल जो है यहाँ पर आए हैं, या 6 अमोनिया या हम कह सकते हैं कि 6 लिगेंड्स जो हैं वो इस +3 फॉर्म में ये अटेन करेगा। सिमिलर जो है वो सिचुएशन अगर आप देखें कि वो है इस कॉम्प्लेक्स में भी, यहाँ पर भी देखें 6 हैं टोटल लिगेंड्स, यहाँ पर भी 6 लिगेंड्स हैं और इस एग्जाम्पल में भी 6 लिगेंड्स हैं। सो इस तरह इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को अटेन करने के लिए कोबाल्ट जो है वो एडजस्ट कर रहा है 6 लिगेंड्स एंड इट गेन्स स्टेबिलिटी। अगर ये 5 लिगेंड्स को अटेन गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स तो फिर भी इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होने थे, और अगर 7 को करता तो वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाने थे। सो दैट इज़ वाई ओनली 6 लिगेंड्स आर एडजस्टेड। सेम इसी चीज़ को हम एक और एग्जाम्पल के ज़रिए जो है वो डिस्कस करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, ये भी एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट मॉलिक्यूल है, दिस इज़ कॉल्ड एज आयरन पेंटाकार्बोनाइल। इसके बाहर कोई आयनिक स्पीशी अटैच नहीं है, इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल किस तरह है कि कार्बन आयल जो या कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी न्यूट्रल होती है, तो इसका मतलब अगर ये न्यूट्रल है तो आयरन भी न्यूट्रल है। दैट इज़ वाई ऑल थिंग्स आर न्यूट्रल हेयर। आयरन की जो एटॉमिक नंबर है वो 26 है, कि इसके पास जो है 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसने भी ये 36 नंबर जो है वो पूरा करना है या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को अटेन करना है, जो कि इस केस में क्रिप्टॉन है। तो 26 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे? 26 इलेक्ट्रॉन्स तब 36 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, तो 36 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे जब आयरन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करेगा। और 10 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे? जब 5 लिगेंड जो हैं, हर लिगेंड अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जब आयरन को डोनेट करेगा तो वो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो 26 + 10 जो है वो 36 हो जाएगा। सो 36 इज़ द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और इस नंबर को अटेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? वो चाहिए 10। सो 10 इज़ द मैजिक नंबर। तो अगर आप देखें, इस तरह हर एलिमेंट अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी और इन ऑर्डर टू गेन नोबल गैस इनर्ट कॉन्फिगरेशन। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें कि कोबाल्ट ने +3 फॉर्म में पहले गया है तो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया है। आफ्टर दैट 6 अमोनिया के मालिक्यूल के साथ अटैच हुआ है, इसने अपनी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया है। बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के बाद इसने ये 36 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने पूरे किए हैं। 36 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसने पूरे अटेन जो हैं वो क्यों किए हैं? क्योंकि इसकी जो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है इसके सामने वो है क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन में 36 जब ये पूरे होंगे तो फिर ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा। सिमिलरली अगर आप कोबाल्ट के नीचे देखें तो ये रोडियम है, तो रोडियम का है 45, इसको भी वेलेंस शैल में 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये जीनॉन की नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेगा। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 45 में अगर आप 18 ऐड करें तो वो 54 हो जाएंगे। तो अब जो रोडियम है उस केस में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो 54 होगा, और 54 अटेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रोडियम जो है वो एक्सेप्ट करेगा? दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स मैजिक नंबर। सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर डिजिट्स के लिहाज से जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन वेलेंस शैल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 18 ही चाहिए इन सब में। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड द 18 इलेक्ट्रॉन रूल एंड द मैजिक नंबर। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसी चीज़ को हम एक सिंगल डायग्राम में कम्प्लीटली एक्सप्लेन करते हैं और इसको हम कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। तो अब यहाँ पर देखें, बोथ इन टर्म्स ऑफ वेलेंस एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम बात कर रहे हैं। सो अगेन आयरन इज़ 26, ये इसकी पूरी कंप्लीट कॉन्फिगरेशन है, और ये 4s2 एंड 3d6 इसकी वेलेंस शैल कॉन्फिगरेशन है। यहाँ पर हमने इसको लिखा है 3d6 4s2। अब आयरन न्यूट्रल फॉर्म में है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को हम पेयर अप कर देंगे इन ऑर्डर टू मेक द ऑर्बिटल्स एम्प्टी इन ऑर्डर टू हैव कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर आप देखें कि ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पर पेयर अप हो गए हैं, और यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स एम्प्टी हो गए। हर एम्प्टी ऑर्बिटल में कार्बोनाइल जो है वो अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जो है वो डोनेट कर रहा है, और यहाँ पर आपके जो हैं वो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर हो रहे हैं एंड ऑल आर मेकिंग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो अब अगर आप देखें तो वेलेंस शेल में यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय 5 कार्बन आयन। तो वेलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। लेकिन अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखें वो कितने हैं, वेलेंस शेल में ये 18 है एंड रिमेनिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स जो कि इनर लाइंग शेल्स में हैं। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनर शेल एंड वेलेंस शेल वो मिला के हैं 36। सो 36 इज़ द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और इसी कोई अटेन करता है आयरन तो ये स्टेबिलिटी जो है वो गेन करेगा। अब इस 36 को अटेन करने के लिए इनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पहले इसके पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 8 इसके पास पहले हैं, तो 10 इसको और चाहिए, तो ये 10 विल बी दी मैजिक नंबर। तो 26 में जब हम यहाँ पर 10 ऐड करेंगे सो 36 पूरा हो जाएगा। सो 36 इज़ द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वेयर एज दिस 10 इज़ द मैजिक नंबर। आई होप आपको इस लेक्चर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।